हेलो एवरीवन, दिस इज़ दी वीडियो नंबर 4 फॉर नीट स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्टेड दी चैप्टर नंबर 2. इन दैट सेशन वी हैव सीन दैट व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. तो पोटेंशियल क्या होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना मिलता है, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना मिलता है, ओके वो सब देखा था. फिर जो उसके एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और बेसिक एग्जांपल्स, कुछ मैंने भी एमसीक्यू किया था, कुछ आपको एमसीक्यू दिए थे, वो सब किया था. ओके, अब ये लेक्चर में हम आगे देखेंगे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर गुजराती मीडियम समस्थितिमान पृष्ठ. इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, वो सरफेस कि जो सरफेस पे पोटेंशियल एवरी पॉइंट पे सेम हो, हर एक पॉइंट पे सेम हो, उसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. आपको याद ही होगा, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और अगर मैं एक ये सर्कल ड्रॉ कर दूं या फिर आप उसे स्फीयर मान लो, आर रेडियस वाला, आर रेडियस हर एक जगह पे होगी, तो ये सर्कल पे एवरी पॉइंट पे, ये सर्कल के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही होगा. मैं ए पॉइंट रख दूँ यहाँ पे, बी पॉइंट रख दूँ यहाँ पे, सी पॉइंट रख दूँ यहाँ पे, डी पॉइंट रख दूँ, तो ए बी सी डी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा, सेम ही आएगा. ओके, तो ऐसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उसका यूज क्या था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए था. एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये थियोरी में हमने लिया था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो, तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगी, प्लेन होगी. ओके, ऐसे प्लेनर होगी इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो ये भी याद रखना खास, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी, प्लेन. ओके, तो ये सब है, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दूसरा एक पॉइंट था कि मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज है, उसे ये बी पॉइंट से सी पॉइंट पे लाना है, तो वर्क डन कितना होगा, जीरो. ओके, टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, ऐसे कोई भी पॉइंट ले लो, ए टू बी के लिए, ए टू डी के लिए, ओके, वर्क डन क्या आएगा, जीरो, क्योंकि हर एक पॉइंट पे, ये सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है. ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्रॉस नहीं कर सकती. तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाए हैं, ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस की थियोरी में. तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस. उसके बाद की थियोरी, उसमें से एमसीक्यू, ये जो थियरी है इसमें से एमसीक्यू पूछा जा सकता है. मैं दो स्टार मार रहा हूँ. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ओके, विद्युत क्षेत्र और विद्युत स्थितिमान वच्चेनो संबंध. तो ये रिलेशन जो है वो क्या था, तो ये रिलेशन जो है वो हमने प्रूव किया था. हम यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन देखेंगे. ये रिलेशन ऐसा था, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा L. ओके, ये है रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा L और माइनस V बाय L. अगर कोई लेंथ L को d लिख दे, डिस्टेंस d, तो वो भी चलेगा, माइनस V बाय. तो ये सारे रिलेशंस है जो जैसे पूछा जाए वैसे आपको आना चाहिए. अब इसमें नेगेटिव जो साइन है, नेगेटिव साइन वो क्यों थी, वो इम्पोर्टेंट. नेगेटिव साइन क्या बताती है, कि ये नेगेटिव साइन ऐसा बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो जो डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, जो डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है वो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ओके, तो ये नेगेटिव साइन क्यों है वो खास याद रखना. ओके, नेगेटिव साइन का स्पेसिफिकेशन मैंने आपको लिखाया हुआ है, वो आपको यहाँ फिर से लिखना है.
ओके नेगेटिव साइन क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा. ओके अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा. तो ये है रिलेशन. ये रिलेशन में आपको ये मेन फॉर्मूला याद रखनी है. अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो आप ये भी फॉर्मूला V को सब्जेक्ट बनाए दो, V इज इक्वल्स टू ED, ये भी याद रख सकते हो. नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे नहीं यूज की है, नेगेटिव साइन Q है वो सिर्फ आपको याद रखना है. ओके हम अब इसी में से हम आगे एक ये टॉपिक में से एक चीज देखेंगे कि देखो कि हमें यहाँ क्या मिला कि V इज इक्वल्स टू E इंटू D. तो अगर हमें ऐसा ग्राफ दिया जाए, देखो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, वो हमने लेक्चर में नहीं देखा होगा क्योंकि लेक्चर में हमने जो एनसीईआरटी का मेन टॉपिक है वही देखा होगा. तो अगर ऐसा ग्राफ दिया जाए, ओके एक एक्सिस पे हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलो वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है डी. तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ, उसका एरिया जो भी होगा, उसका एरिया जो भी होगा वो हमें क्या देगा, पोटेंशियल. क्या देगा, पोटेंशियल. तो मान लो कि ऐसे अगर ऐसे एक ग्राफ दिया हुआ है हमें, ये कोई भी वैल्यू है, मान लो कि ये ई की वैल्यू 1 है, 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 न्यूटन पर कूलम, और ये डी है डिस्टेंस है. तो यहाँ पे मान लो कि डिस्टेंस 1 मीटर है, यहाँ पे मान लो डिस्टेंस 2 मीटर है, यहाँ पे मान लो डिस्टेंस 3 मीटर है, और ये तो जीरो है. ये ग्राफ दे दे हमें और पूछे कि पोटेंशियल फाइंड करो. क्या पूछे कि पोटेंशियल फाइंड करो, तो पोटेंशियल क्या होगा, तो ये ग्राफ के एरिया के जितना. ओके पोटेंशियल क्या होगा, तो ये ग्राफ के एरिया के जितना. तो आपको याद क्या रखना है कि एरिया एनक्लोज्ड बाय ई वर्सेस डी ग्राफ गिव्स अस द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ई ऑपोजिट डी ग्राफ से जो भी एरिया मिलता है, ओके जो भी शेडेड एरिया होता है वो हमें क्या देता है, पोटेंशियल देता है. ओके ऐसा एग्जांपल हम करेंगे तो आपको आइडिया भी आएगा. लेकिन आपको मैं लिख देता हूँ कि एरिया एनक्लोज्ड एरिया बाय ई वर्सेस डी ग्राफ गिव्स पोटेंशियल. और अगर एक दूसरा भी है, एक दूसरा ग्राफ है वो भी देख लेते हैं वो कैसे होगा. तो वो जनरली ऐसे आता है, सपोज हमें एक ग्राफ दे दिया ऐसे, ये ग्राफ में वाई एक्सिस पे सपोज पोटेंशियल है, एक्स एक्सिस पे सपोज डिस्टेंस डी है, और आर जो भी आपको कहना है. ये ग्राफ जा रहा है, मान लो कि ये ग्राफ ऐसे जा रहा है. ओके तो और मान लो कि ऐसे दूसरा भी हम ग्राफ देखते हैं, वो भी ऐसा वी डी पोटेंशियल, सपोज ग्राफ ऐसे जा रहा है. अगर ये ग्राफ दिया है, ये मीन्स पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस वाला ग्राफ, तो इसमें याद रखना ये ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें किसकी वैल्यू देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की. ओके स्लोप ऑफ वी वर्सेस डी ग्राफ विल गिव्स अस द इलेक्ट्रिक फील्ड. मान लो कि ये एक पॉइंट है P, और P पॉइंट पे पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, तो क्या करने का, P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो फाइंड करने का, फिर डिस्टेंस है वो भी ले लेने का, और फिर D हमने ले लिया, V हमने ले लिया. अब क्या करेंगे, E इज इक्वल्स टू फॉर्मूला ही क्या होती है, माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एल. ओके वी की वैल्यू रख दो, एल की वैल्यू रख दो, हमें आंसर मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो ये ग्राफ वाले एग्जाम्पल्स एमसीक्यू हम देखेंगे.
उसके बाद का जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये मैंने आगे ही इंक्लूड कर दिया था, जो फर्स्ट लेक्चर है उसी में इंक्लूड कर दिया था। ओके, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होती है, एक का एमसीक्यू भी हमने किया होगा या फिर थियरी में कर लिया था, तो ये देखने की अगेन जरूरत नहीं है। ओके, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि अगर हमें कोई ट्राइंगुलर दिया हुआ है, सपोज ऐसा ट्राइंगुलर दिया हुआ है, इक्विलेटर ट्राइंगल है, ये डिस्टेंस आर, डिस्टेंस आर, डिस्टेंस आर, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, ये तीन चार्ज दे दिए हैं, अगर पूछे कि ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो, तो क्या करने का, क्या करना है, तो पहले क्यू वन चार्ज को लाने का लाएंगे हम, फिर क्यू टू चार्ज को लाएंगे, फिर क्यू थ्री चार्ज को लाएंगे, और जो भी वर्क डन होगा वो हमारा आंसर होगा, वो हमने किया हुआ है। ट्राइंगल का भी एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसा ट्राइंगल, फिर ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका भी एग्जाम्पल हो सकता है, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, फिर स्क्वायर जो है उसका भी एग्जाम्पल हो सकता है, स्क्वायर का तो एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, तो आप कर सकते हो। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। उसके बाद का जो टॉपिक है वही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस, बट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है दिया हुआ है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? देखो, अगर ये मान लो कि दो चार्ज है, क्यू वन, क्यू टू, आर डिस्टेंस पे रखें, और आपको पूछा जाए कि ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो, फर्स्ट फिगर है, तो आप क्या बोलोगे कि ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? तो के क्यू वन, क्यू टू बाय आर। ओके, यू कैन फाइंड इट। बट अब हमें ऐसा बोला जाए कि ये दोनों चार्ज क्यू वन एंड क्यू टू है, वो डिस्टेंस आर पे है, लेकिन ये सिस्टम पे पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ये सिस्टम में पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ओके, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज मान लो कि ई है। ओके, ये सिस्टम में पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले रहे हैं ई। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो वर्क करना पड़ेगा, देखो पहले तो एक भी चार्ज नहीं होगा, फिर Q1 को हम लाएंगे, तो Q1 को लाएंगे तो वर्क जीरो नहीं होगा, तो ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रेजेंट है। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से Q1 पे पोटेंशियल सपोज V ऑफ R1 है, और Q2 पे पोटेंशियल सपोज V ऑफ R2 है। ओके, तो ये Q1 और Q2 दोनों सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी देख लो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ऐसे जनरेट हो रहा है, आप मान लो कि ये कार्टेशियन सिस्टम है, Q है, ये Q1 जो है उसका डिस्टेंस है R1, ये Q2 जो है उसका डिस्टेंस है R2, तो हम बोल सकते हैं कि Q1 पे पोटेंशियल V ऑफ R1, Q2 पे V ऑफ R2। तो पहले Q1 को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज दी क्यू वन वी ऑफ आर वन। ओके, क्यू टू की वजह से कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से वर्क करना पड़ेगा। क्यू टू को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो क्यू टू वी ऑफ आर टू, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और क्यू वन की वजह से कितना करना पड़ेगा, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। अब टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, मीन्स टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी दोनों के समेशन जितनी। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड दिया हुआ है तो वो एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी टोटल ऐसे फाइंड करेंगे। ओके, अब आज का जो लास्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, तो वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो सपोज ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके okay, सपोज ई, और इसमें एक डायपोल दी हुई है, तो हम मान लेते हैं एक डायपोल, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, डायपोल के बीच का डिस्टेंस 2a, ये है सपोज ओरिजिन, तो ये डिस्टेंस ये होगा, ये भी डिस्टेंस ये होगा, ये सपोज एंगल है थीटा, एंगल थीटा किसके बीच का है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल, ओके, डायपोल की डायरेक्शन ये होगी p माइनस q से प्लस q, तो थीटा है एंगल p और e के बीच का, तो ये जो डायपोल है, ये डायपोल, इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से, ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से कितनी होगी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है u इज इक्वल्स टू माइनस pe cos थीटा, ओके, याद रखना, डायपोल डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो होगी माइनस पीई कॉस थीटा, और थीटा क्या है, तो थीटा है पी और ई के बीच का एंगल। अब आपको और हमें कैसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, देखो कि सपोज डायपोल पहले इनिशियली सपोज डायपोल पहले मान लो कि 30 डिग्री पे है, ये डायपोल को हमें 30 डिग्री पे से 60 डिग्री पे ले जाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो प्रॉपर समझ में आ गया ना, कि पहले डायपोल दिया हुआ है कितने एंगल पे, इनिशियली 30 डिग्री पे, और फाइनली हमें डायपोल को कितने एंगल पे ले जाना है, 60 डिग्री पे रोटेट करना है, तो टू रोटेट दी डायपोल फ्रॉम दी 30 डिग्री टू 60 डिग्री हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, तो वर्क रिक्वायर्ड होगा डेल्टा यू, डेल्टा यू मीन्स फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी क्या होगी, तो माइनस पी ई कॉस थीटा एफ माइनस इनिशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस पीई कॉस थीटा आई, ओके, तो फॉर्मूला जो ये आएगी कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पीई कॉमन, तो आएगा कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ, पुट दी वैल्यू ऑफ पीई एंड थीटा, यू कैन फाइंड आउट योर आंसर, ओके, तो ये है सारी थियरीज। अब हम देखेंगे एमसीक्यूज, तो फर्स्ट एमसीक्यू सपोज हमें दिया गया है ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके, और हमें तीन पॉइंट दिए हुए हैं, सपोज ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, और सपोज ये सी पॉइंट, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज 0 0 है, ये पॉइंट का 2 0, और ये पॉइंट का सपोज 0 2, और पूछा गया है कि ये तीनों पॉइंट के बीच में, ये तीनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का क्या रिलेशन होगा, मीन्स हाईएस्ट पोटेंशियल किस पॉइंट पे होगा और लोअर पोटेंशियल किस पॉइंट पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, अब याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन में हो उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, या फिर उसका उल्टा कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है तो अपवर्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो हम बोल सकते हैं अगर ये लिया ये बी और ये सी, तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी पे पोटेंशियल सेम होगा, ओके, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में वो सेम डिस्टेंस पे है, और सी पे उतना नहीं होगा ए और बी जितना, लेकिन सी पे अब इंक्रीज होगा या कि डिक्रीज होगा, अब ए से सी जाना है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो ए और बी पे ज्यादा होगा और सी पे कम होगा, तो ये रिलेशन होगा, ओके। फिर सेकेंड, अगर हमें पूछा जाए कि देयर आर टू प्लेट्स, दो प्लेट्स विच आर एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में दिया हुआ है 10 वोल्ट, और हमें पूछा है कि तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये अब आप खुद से कर सकते हो, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, क्या आएगा, वी अपॉन डी, वी 10 वोल्ट, डी 20 सेंटीमीटर, मीन्स 0.2 मीटर, सो यू कैन फाइंड आउट दी आंसर, ओके। फिर हमें अगर ऐसा दिया हुआ है कि कोई पॉइंट पे, कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, सपोज हम ले लेते हैं पी पॉइंट, उस पे पोटेंशियल है 4x² जितना, और हमें पूछा गया कि कोई पॉइंट क्यू है 102, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, ओके, तो जो स्पेस है उसमें पोटेंशियल है सेम पोटेंशियल 4x² जितना, और ये पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो फॉर्मूला क्या है, माइनस डीवी अपॉन डीआर, ओके, यही फॉर्मूला है, माइनस डीवी अपॉन डीआर,
तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड विथ रिस्पेक्ट टू जेड हमें फाइंड करना पड़ेगा। ऐसा मैंने एक एग्जांपल करवाया था आपको रेगुलर में, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डीवी बाई डी एक्स, ओके। और मैंने वो होगा एक्स डायरेक्शन में आई कैप प्लस डीवी बाई डी वाई जे कैप वाई डायरेक्शन में एंड डीवी बाई डी जेड जेड डायरेक्शन में। और मैंने आपको अगर याद हो तो ऐसा भी बोला था कि ऐसा नहीं याद रखना, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो डेल वी बाई डेल एक्स। डेल क्या होता है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। वो कैसे करते हैं वो भी आपको मैंने बोला था कि अगर डेल वी बाई डेल एक्स है तो सिर्फ x ही वेरिएबल होगा, x के सिवाय कोई वेरिएबल नहीं होगा। डेल वी बाई डेल वाई है तो सिर्फ y वेरिएबल होगा, डेल वी बाई डेल जेड है तो कौन सा, सिर्फ z वेरिएबल होगा, ओके। तो ये एग्जाम्पल हम करते हैं, तो v तो दिया हुआ है 4x स्क्वायर, अब e फाइंड करना है। तो पहले देखो डेल वी बाई डेल एक्स क्या होगा, v इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर है तो डेल वी बाई डेल एक्स क्या होगा, तो 2 × 4x होगा, ओके। तो मतलब 8x, तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स क्या होगा, माइनस 8x। डेल वी बाई डेल वाई क्या होगा, y तो है ही नहीं, देखो 4x स्क्वायर ही है तो 0। डेल वी बाई डेल जेड भी क्या होगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का क्या आएगी, माइनस 8x i कैप, ओके। अब हमें कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है 102 पे, ओके 102। तो ये x y एंड z पुट द वैल्यू ऑफ x, तो e इज इक्वल्स टू माइनस 8 × 1 i कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, माइनस 8 न्यूटन पर कूलम्ब और माइनस 8 वोल्ट पर मीटर i कैप। i कैप किसके लिए, डायरेक्शन के लिए, ओके। नेक्स्ट हमें पोटेंशियल दिया गया है माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4, ओके। तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एक्स वाई जेड पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड बट कहाँ पे, कोई एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं दी हुई है, कोई एक्स वाई जेड पॉइंट पे ही फाइंड करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल क्या होगा कि एक्स डायरेक्शन में प्लस वाई डायरेक्शन में प्लस जेड डायरेक्शन में सबका समेशन। अब एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अब ये पोटेंशियल है उसका डिफरेंशिएशन करो, बट वेरिएबल क्या होगा, ओनली एक्स। तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई का क्या आएगा, माइनस 2x वाई माइनस एक्स जेड क्यूब क्या क्या आएगा, जेड क्यूब प्लस 4 तो कॉन्स्टेंट है तो 0। सेम वे वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो क्या आएगा, माइनस डेल वी बाई डेल वाई, ओके। एक ये माइनस साइन है आगे, ओके, ये माइनस साइन हमने रखी नहीं है, तो ये टोटल माइनस माइनस अंदर ले जाओ तो 2x वाई प्लस जेड क्यूब, ओके। माइनस डेल वी बाई डेल वाई क्या होगा, देखो अब सिर्फ y वेरिएबल, तो y का ही डिफरेंशिएशन करना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y है ही नहीं तो 0, 4 वो भी 0, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर ई जेड, तो माइनस डेल वी बाई डेल जेड। अब z के विथ रिस्पेक्ट टू z करो तो फर्स्ट तो है ही नहीं, फर्स्ट में तो z है ही नहीं तो 0, सेकेंड में z है तो माइनस 3x जेड स्क्वायर, ओके। 4 का तो ऑब्वियसली 0, तो 3x जेड स्क्वायर होगा। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तीनों का समेशन, तो 2x y प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x जेड स्क्वायर। कोई पॉइंट दिया हुआ हो तो x y और z की वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम से क्यों एक ग्राफ दिया हुआ है, वो ग्राफ है वो हमें पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस r का दिया हुआ है। ग्राफ ऐसे शोन है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सपोज, सॉरी पोटेंशियल यहाँ पे सपोज 5 है, 1 2 3 4 5 कांस्टेंट, यहाँ पे डिस्टेंस 2, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 6, कुछ बीच में यहाँ पे 5 आएगा। तो हमें पूछा गया है कि एट r इज इक्वल्स टू 5 पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, ये जो 5 है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। अब 5 को ये स्लोप पे, ये ग्राफ पे डिनोट करे तो ये पॉइंट आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो ये सोचो कि मैंने आपको जो सिखाया वो क्या सिखाया, कि अगर v वर्सेस r का ग्राफ दिया हुआ है हमें, तो उसका जो स्लोप है, उसका स्लोप है दैट, वो स्लोप की वैल्यू क्या होगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड जितने, ओके, वी वर्सेस आर का ग्राफ, और वो ग्राफ का जो भी स्लोप होगा वो स्लोप हमें किसकी वैल्यू देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देगा। तो यहाँ पे सिंपली करना क्या है, स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम ये ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, और फिगर में से ये ट्राइंगल में से ई फाइंड करना है, तो होगा क्या, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर और आगे माइनस। अब ये वाले स्लोप के लिए, ये वाले ट्राइंगल के लिए डेल्टा वी क्या आएगा, 5 और 0, तो माइनस 5 माइनस 0 अपॉन डेल्टा आर, ओके, डेल्टा आर मतलब डिस्टेंस क्या आएगा, तो ये 4 है और ये 6, तो 4 माइनस 6, तो आंसर क्या होगा, माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 6 माइनस 2, दैट मीन्स माइनस माइनस कट, तो आंसर क्या आएगा, 2.5 वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। तो ग्राफिकली ऐसे एग्जांपल आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू में सपोज हमें ऐसा दिया हुआ है कि वो एक डायपोल है, वो डायपोल की लेंथ 2a 1 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ डायपोल की जो हम बोलेंगे 2a वो 1 सेंटीमीटर है। वो इस डायपोल को हमने रख दिया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम का, ओके। ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 30 डिग्री बना रही है, ओके, और ये पोजीशन पे उस पर जो टॉर्क लग रहा है, जो टॉर्क एक्ट हो रहा है उस पर, वो टॉर्क है 10 × √2 जूल। तो क्वेश्चन है कि ये डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ओके, अगेन क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, देख लो, एक डायपोल है, डायपोल की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ये डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कितना है, 10 न्यूटन पर कूलम, किस पोजीशन पे रखा, 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे ही टॉर्क लग रहा है उस पर, कितना टॉर्क लग रहा है, 10 √2 जूल, ओके। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो फाइंड करनी है। पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस पीई कॉस थीटा, ओके, और टॉर्क क्या होता है, तो पीई साइन थीटा। अब ये इक्वेशन 1 और 2 जो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से, और ये नेगेटिव साइन नहीं लेते। ये नेगेटिव साइन किस लिए है कि जो ओरिएंटेशन डायपोल क्या है, डायपोल का जो ओरिएंटेशन है वो 180 डिग्री पे उसकी उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसके लिए नेगेटिव साइन है। वो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको चार ऑप्शन में भी कोई नेगेटिव आंसर नहीं दिया होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पे हम पहले से ही पॉजिटिव ले लेते हैं। और अब करते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टॉर्क, दैट इज पी कॉस थीटा अपॉन पी साइन थीटा, पी बी कैंसल, यू इज इक्वल्स टू टाइम इनटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं टेन थीटा, तो सारी वैल्यू प्लेस कर दो, टॉर्क की वैल्यू 10 √2, टेन थीटा की वैल्यू 10 30, टेन थर्टी क्या आएगा, 10 30 की वैल्यू प्लेस करो, यू कैन फाइंड आउट दी पोटेंशियल एनर्जी, ओके, ऑफ दी डायपोल। तो इस टाइप के एमसीक्यू आप कर सकते हो, तो जो भी आपको मटेरियल दिया है उसमें से ये टॉपिक के सब एमसीक्यू कर देना, ओके, थैंक यू।